अभी जा रहे हैं इधर शेर का गुफा है कहीं पे, वहाँ पे शेर ये लोग बोलते हैं कि हो भी सकता है। ये पंजे का निशान, अरे भाई नहीं निकलेगा सुनने से भी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग भी मैं जमशेदपुर में ही स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं पे हूँ। और अभी हम जिस डेस्टिनेशन पे आए हैं ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे। और सावन भाई के साथ आए हैं, सावन भाई है यहाँ पे। तो ये भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और भैया जी भी फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा है, बट अभी थोड़ा सा मतलब यहाँ जो प्राकृतिक था थोड़ा जला दिया गया है, थोड़ा सा आग लगा दिया गया, बट फिर भी थोड़ा ऊंचाई पे अच्छा, ऊंचाई पे अच्छा लग रहा है। यहाँ से व्यू पूरा दिख रहा है ना, व्यू जो है। एक मिनट में दिखाता हूँ यहाँ से, देखिए। इधर से देखिए, और हम लोग जिस अभी जगह पे खड़ा हुए हैं ये पूरा चट्टान है। देखो भाई इतना बड़ा चट्टान भाई। इधर से देखिए दोस्तों, ये सब चट्टान ही चट्टान है। ये पहाड़ी जो है ना, ये चट्टान वाला पहाड़ी है ये। और इधर से देखिए चट्टान, ये सब कैसे कैसे परत जैसा ये सब दिख रहा है पूरा। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो हरियाली था वो हरियाली यहाँ पे जला दिया गया है, तो इसका ब्यूटीनेस थोड़ा बोल रहे हैं ये लोग कि कम हो गया है पहले से। अभी जा रहे हैं इधर शेर का गुफा है कहीं पे, वहाँ पे शेर ये लोग बोलते हैं कि हो भी सकता है। मुझे तो बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि भाई शेर को देखने का अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है। अभी देख लेंगे, इसी बहाने लाइव मैंने कभी नहीं देखा है शेर को। चिड़ियाघर में देखते हैं वो सब दुबले पतले होते हैं, हट्टा कट्टा दिखेगा, हट्टा कट्टा दिखेगा। अगर कहीं हमला किया तब क्या करेंगे, भागेंगे, भागने से बच जाएंगे। अपना हवाई टीगल उधर दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए जंगल में ही हवाई टीगल अपना लगा हुआ है। और हम लोग अब चलते हैं शेर का गुफा देखने। वो जो भाई साहब है आगे आगे जा रहे हैं, वो लोकल है यहाँ के रहने वाले, तो उनको ये सब पता है, तो वहीं जा रहे हैं बताने के लिए। और यहाँ पे एक और गाइज हमको बहुत ही दुर्लभ चीज दिख गया यहाँ पे, ये देखिए इन पत्थरों को देखिए, और इसके बीच में इस पत्थर को देखिए। ये थोड़ा यूनिक है, कंट्रास्ट में दिख रहा है, आखिर इस पत्थर में कुछ न कुछ तो होगा खासियत। तो फाइनली दोस्तों हम लोग उस शेर के गुफा के पास पहुंच गए हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए संतोष जी, देखिए पंजा दिख रहा है, देखिए। अरे भाई पंजा का दाग दिख रहा है दोस्तों, रोंगटा खड़ा हो गया बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आप, कुत्ता तो नहीं होगा। देखिए ये पंजे का निशान है शेर का, तभी हो सकता है। लेकिन जंगली कुत्ता, ये पंजे का निशान, लोमड़ी। और उधर देखिए सियाल, तो उधर अंदर तक ये गुफा बना हुआ है। सात बजने से आपको सियाल भी वाइब्रेट हो रहा है दोस्तों, हाथ में वाइब्रेट हो रहा है, बॉडी में वाइब्रेट हो रहा है। क्या पता अगर इसके अंदर होगा तो बस एक बार दहाड़ा हम लोग का काम तमाम कर देगा। तो ऐसा भी सीन देखने को मिलेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यहाँ पे मैंने देख लिया पवन, पवन पुरवाई। अरे इधर खाली गुफा ही गुफा दिख रहा है। अरे भाई अंदर से इसको, उधर है बहुत, अंदर दिख नहीं रहा है। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अंदर का लोकेशन। जब पंजा दिख रहा है तो डेफिनेटली शेर होगा, डेफिनेटली होगा। पवन को देखिए, पवन बच के। हाँ हम है ना। मैं और अखलाक भाई जाते हैं शेर के गुफा में और शेर को कान पकड़ के हम लोग बाहर लेके आते हैं, क्यों वो छुप के बैठा हुआ है हम लोगों के डर से। डरने लगा सावन। चलो के नीचे गुफा है, वहाँ से घुसना पड़ेगा इसके नीचे।
अभी जहाँ पे खड़ा है हम लोग। हाँ, अरे भाई ये तो ऐसे देखने में पता ही नहीं चल रहा है। इस पहाड़ के नीचे गुफा है, सुरंग है। ये भाई साहब बोल रहे हैं लोकल है, यहाँ के रहने वाले, इनको सब पता है भाई। तो इतना बड़ा चट्टान जो है कहाँ पे, तो उसमें ऐसे ही नहीं, इसमें अजगर है, नीचे में अजगर इधर में है ना, रास्ता जैसे दिखाई दे रहा है उसी का चट्टान का ऊपर। इतना बड़ा चट्टान, ये जो चट्टान है थोड़ा छोटा है, चट्टान जो है जो ये जो दिख रहा है चट्टान है ना, जैसे वहां में चट्टान है। तो अभी दोस्तों उस फॉरेस्ट वाले पहाड़ी से हम लोग नीचे उतर के आ गए हैं और अभी सिटी ओर जा रहे हैं जमशेदपुर की तरफ। और ब्लैक पैंथर देखिए आगे आगे चल रही है और अपना व्हाइट ईगल पीछे पीछे। दोस्तों अभी एक अपार्टमेंट की तरफ हम लोग आए हुए हैं और इधर जो है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए पूरा ऊपर तक ऐसे उधर तक आगे है बिल्कुल, और यहाँ से देखिए इधर तक ये है 1 2 3 4 5 6 फ्लोर तक है ये 6 भाई। और यहाँ पे देखिए ये सीमेंटेड बना हुआ है, लकड़ी का इसमें शेप दिया हुआ है बैठने के लिए। यहाँ पे देखिए ये 3 कंट्री का टाइम बताने वाला घड़ी यहाँ पे है, न्यू दिल्ली, लंदन, सिंगापुर। गेट ये देखो, अरे भाई साहब क्या नजारा है भाई, मजा आ गया भाई घूम के। हाँ तो रतन टाटा जी यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो मुंबई में रहते हैं, कभी कभार यहाँ पे आते हैं। जब आते हैं तो एकदम यहाँ पे समझिए कि ताज जो है ना उसी में। हाँ, उसी में है। अच्छा उनका है, उन्हीं का है होटल ताज। अरे भाई इसमें आज से कई साल पहले बम बारूद हुआ था। हाँ उन्हीं का है। तो अभी दोस्तों आ गए होटल पे और चलते हैं इस होटल के टेरिस पे ऊपर और वहां से देखते हैं कैसा व्यू आता है। ये तो कमाल का व्यू है भाई यहाँ से, ये देखो यहाँ से देखिए ट्रेन उधर जा रही है और इधर देखिए ये जो ट्रेन के जो बोगी है ये सब देख रहे होंगे, दिख रहा होगा। देखिए ये सब कोयले का है, ये सब स्टील प्लांट पूरा है। और ये जो बाउंड्री दिख रहा है इधर से उधर फॉरेस्ट के जैसा दिख रहा है, बट उधर जो है टाटा स्टील का वो प्लांट है। हाँ चिमनी पूरा दिख रही है, तो ये टाटा स्टील। हाँ, ये टाटा स्टील का प्लांट है, देखो भाई उस पे लाइट कोई चल रहा है। रात में तो और अच्छा लाइट जलता है। सही बात है, रात में तो यहाँ से देखने में मजा ही आ जाएगा। तो रतन टाटा जी बहुत कुछ कर दिए हैं जमशेदपुर में, बहुत कुछ किया है वो, स्टील के ही बदौलत है। हाँ देखिए ये भी भाई साहब बोल रहे हैं कि टाटा स्टील के ही बदौलत है जमशेदपुर सिटी है ये। तो अभी सब जगह से घूमते हुए एंजॉय करते हुए गरीब बोई हेलो गाइस से सबसे मिलते हुए अखलाक भाई के साथ हमने बहुत अखलाक भाई हम लोगों का हेल्प किए, इसके लिए थैंक यू सो मच अखलाक भाई को। और दोस्तों अभी रूम में आ गए हैं तो अभी का हमारा प्रोग्राम है कि नाइट व्यू देखेंगे जमशेदपुर का कैसा दिखता है। तो अभी वो लोग आएंगे तो उन्हीं के साथ चलेंगे, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर अपना जो व्लॉगिंग वाला जॉब है ये तो करना ही करना है। तो ऐसे ही दोस्तों प्यार अपना बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए जैसे सावन का कर रहे हैं। उसके पास भी गाड़ी है दोस्तों, मेरे पास भी गाड़ी है, हम दोनों एक ही राशि के हैं, पर देखिए उसका लाइफ कितना आगे निकल गया है और हमारे लाइफ में तो अंधकार धीरे धीरे आ रहा है दोस्तों। बट कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा सब सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नाइट में। अभी दोस्तों एक पोपट हो गया, जमशेदपुर का नाइट व्यू हमें देखना था, तो अखलाक भाई अभी नहीं आ पाएंगे तो नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनका तबीयत खराब हो गया है। पहले से ही वो बोल रहे थे कि तबीयत मेरा थोड़ा खराब है और दवाई भी लिए थे वो,
तो अभी फ़ोन किए थे तो मैंने ही मना कर दिया कि जब तबीयत ही सही नहीं रहेगा तो क्या ही घूमेंगे। तो अभी जो है नाइट होने का वेट करते हैं और इसके टॉप फ्लोर पर चलेंगे और वहाँ से नाइट में व्यू देखेंगे कि इधर का नाइट व्यू कैसा दिखता है। मुझे तो जमशेदपुर सिटी बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो अभी दोस्तों अपना डिनर आ गया है, ये देखिए पनीर कढ़ी, तवा रोटी, सलाद और ये हो गया प्याज, मिर्च, हरी मिर्च। तो अभी पनीर और रोटी ठूस के मतवाला हो गए, अब चलते हैं पचा के आते हैं टॉप फ्लोर पे। इस साइड से ऐसा व्यू दिख रहा है, देखिए लाइटें वाइटें सब जगमगा रहा है बिल्कुल। और इधर से ऐसा व्यू दिख रहा है, देखिए उधर जो वो टावर जो दिख रहे हैं रेड रेड वो लाइट जो जल रहा है वही है टाटा स्टील का फैक्ट्री। उधर से ऐसा है और इधर से ऐसा है, बस यही सब है। इधर से कुछ खास व्यू नहीं दिखा, बट कोई बात नहीं, अगर कल रात को रुक गए तो उधर सिटी का व्यू दिखा देंगे, क्योंकि अभी हम जहाँ पे हैं ये प्रॉपर सिटी नहीं है। तो चलते हैं रूम में, देखते हो